अहम जानकारी आपको बता दें, पूर्व से पश्चिम की ओर होगी भारत जोड़ो यात्रा। जनवरी से राहुल गांधी फिर शुरू करेंगे यात्रा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जनवरी के दूसरे हफ्ते से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू शुरू करेंगे। ये यात्रा अरुणाचल से गुजरात तक ये यात्रा राहुल गांधी निकालेंगे। अहम जानकारी आपको बता दें, गुरुवार को सीडब्ल्यू की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू का जिक्र किया। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात कार्य समिति के समक्ष मैं रखना चाहता हूं, और इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनवरी से राहुल गांधी फिर शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। पिछले कई महीनों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में लगातार एक मांग मेरे सामने रखते हैं कि राहुल गांधी से पूर्व से लेकर पश्चिम तक ईस्ट टू वेस्ट भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी से राहुल गांधी यात्रा फिर शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। और आपको बता दें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसके चलते कांग्रेस को लेकर कांग्रेस जनता से लेकर जनता के पास गई थी। राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, और इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल इसको लेकर ये भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि आखिरकार कांग्रेस जनता के बीच जाकर अपनी कहीं जो इमेज थी उसे ठीक करने का काम किया है भारत जोड़ो यात्रा में, जिसको लेकर फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी फिर से जनवरी से राहुल गांधी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और इससे पहले राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 12 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की थी, जो 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त हुई थी। 136 दिनों में इस यात्रा के जरिए 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की गई थी।